तो हाय गाइस, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुदीप, वेलकम टू माय चैनल बेस नो क्लास। मैं आज अलग ही सेटअप पे आ गया हूं, जैसे ब्लॉगिंग सेटअप पे आ गया हूं, जैसे आप देख पा रहे हो। और मैं आपको बताने वाला हूं मेरा स्टूडियो टूर, छोटा सा है, आपको बताता हूं, छोटा वीडियो बनाएंगे, क्या क्या मैं यूज करता हूं वो भी बताता हूं। पहले तो हम लोग अपने सेटअप पे चले जाते हैं जैसे आपको पता है, और हम लोग इधर से जाते इधर, तो आ गए हम लोग व्लॉगिंग सेटअप छोड़ के, जैसा मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ वैसे आ गए हम लोग गाइस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और मैं कैसे यूज करता हूँ, कैसे शूट करता हूँ, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बीरोल्स वगैरह लेंगे जैसे आपको दिखने वाला है अभी। मेरे सामने है मेरा कैमरा, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये है 80D, मेरा कैनन 80D, वही यूज करता हूँ। 1080 लेंस लगा है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ही मेरा बहुत बड़ा एक, जैसा आप देख पा रहे हो, LED लैंप है मेरे पास वीडियो शूटिंग के लिए। और उसके पास मेरा सबसे चहिता माइक मेरा, वो है Zoom H1 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है गाइस। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कितना पावरफुल है वो माइक। और जैसे कि आपको देख पा रहे हो, मेरा यही डिस्टेंस रहता है हमेशा हर एक वीडियो में। तो आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से लेके मैं कैमरा के इतना दूर हूँ, लाइक मेरा एक हाथ, और ये कम से कम नहीं तो भी 2 फुट के ऊपर है, और मेरा माइक यहाँ से कम नहीं तो भी 15 इंचेस दूर है मेरे। तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप लोगों को क्लैरिटी तो पता ही चल रहा है माइक का। और यहाँ पर लगा है, आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पर मैंने कैसे लगाया है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 2 स्टैंड है, उसके ऊपर ऊपर आप देख पा रहे हो, जैसे ऊपर एक मैंने रॉड खरीद लिया था बाहर से, पाइप, जैसे हार्डवेयर से मैंने पाइप खरीद लिया था, और उसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि फुकट का खर्चा क्यों करने का, जितना हो सकता है उतने में कम में कर सकते हैं हम लोग। बैकड्रॉप है जो आपको, मेरे ख्याल से मैंने 300-400 में कुछ खरीदा था, ये मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, मैंने ये खरीदा था 300-400 रुपए का बैकड्रॉप, जो आप लोग ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कलर बहुत सारे हैं, और मेरे पास ग्रीन स्क्रीन भी है, तो वो भी कभी कभी मैं यूज करता हूँ, जैसा आप लोग ने देखा होगा मेरे वीडियोस। तो इतना सा छोटा सा सेटअप है गाइस, इतना कुछ हेवी बड़ा एकदम लाइटिंग वाइटिंग ज्यादा मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल अभी। लेकिन हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं पूरा एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, एकदम मैंने दिमाग में एकदम भर भर के रखा है, मैंने मस्त वाला एकदम बनाने वाला हूँ, आप लोगों को भी बताऊंगा, वो भी इन चीप बनाऊंगा मैं, और इतना पावरफुल होने वाला है गाइस वो, कि आप लोग भी ऐसे बनाओगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये मैंने Zoom H1 मेरा लगाया है, मैंने माइक मेरा, ये एक बड़ा सा स्टैंड है जैसा आप देख पा रहे हो, इसके साथ लगाया है मैंने। और उसके सामने मेरे पास है बेनरो का ट्राइपॉड, जो बहुत पावरफुल ट्राइपॉड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्राइपॉड है। इसके ऊपर बड़े बड़े कैमरास लगते हैं, तो मैंने सिर्फ DSLR रखा है, इसके ऊपर वो बड़े बड़े शूटिंग वाले कैमरास भी लगते हैं। और ये मेरा जो LED है, ये काफ़ी ज़्यादा देर तक बैकअप देता है, लाइक अगर आप लोग फुल पावर पे चलाओगे तो 4 आवर्स 5 आवर्स कहीं नहीं गया, अच्छे से एकदम फुल पावर में लगा सकते हो आप लोग एकदम, जैसे ये अभी फुल पावर में है। मैं फिलहाल तो किसी सॉफ्ट बॉक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना सॉफ्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही लगेगा मैं खरीद लूँगा, और मेरा जैसे ही बैकग्राउंड चेंज होगा, और वैसे ही मैं सॉफ्ट बॉक्स वगैरह सब कुछ खरीद के आपको मैं बताऊँगा DIY कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैं DIY करने वाला हूँ, खुद के घर पे बैठ के बनाऊँगा मैं, और उसी में मज़ा आएगा। क्यों खरीदना है इतना हज़ार रुपये का सामान हम लोग, जबकि बना सकते हैं कुछ चीज़ें हम लोग खुद बना सकते हैं। मैंने खुद पहले DIY सोचा था, जैसे आप लोग अगर पर्दे का है, मेरा इधर पर्दा है आपको दिखा दूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा पर्दा है, वो पर्दा अगर पर्दे के ऊपर अगर डाल दूंगा तो भी हो जाएगा, ये भी एक पर्दा जैसा ही है, जैसे आप देख पा रहे हो ये एक पर्दे जैसा ही है, तो इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगा तो भी हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, स्टैंड भी है तो यूज कर लेते हैं। अगर आपको कभी ये सब सीखना है कि B-rolls एंड और कट सीन्स कैसे बनाते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं श्योर आपका कमेंट का आंसर करूंगा, एंड ट्राई करूंगा कि वीडियो बनाओ उसके ऊपर। यूट्यूब के थ्रू हम लोग बहुत कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, कितने दूर दूर से आप लोग देख रहे हो, ये मतलब मेरे लिए तो काफी अच्छा है, और मेरा 3K सब्सक्राइबर हुआ है वो तो बहुत बड़ी बात है गाइस, आप लोग ने देखा चैनल को, वो मतलब क्या बात है यार, थैंक यू गाइस। जो भी है, माइक लगाने के लिए आपको एक होल्डर लेना पड़ता है, जो ये लगा हुआ है ऑलरेडी, जैसा देख पा रहे हो ऑलरेडी लगा हुआ है,
ऐसा एक होल्डर लेना पड़ता है। अगर आपको चाहिए कि व्लॉग कैसे करते हैं वो वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं श्योर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे व्लॉग करते हैं और बाहर रोड पे आपको लेके जाऊंगा और बाहर के थोड़े सीन्स भी लेंगे। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वेट रेल एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।